और बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना त्याग पत्र देंगे। करीब 9:30 बजे राजभवन जाएंगे, जहां पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। पार्टी की हार के बाद वो राज्यपाल को सौंपेंगे अपना त्याग पत्र। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां पर और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के हाथ से सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता खिसक चुकी है, अब सत्ता बीजेपी के हाथ में है पूरी तरीके से। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं। और बता दें कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी चुनाव हार चुके हैं। बघेल सरकार के 5 मंत्री भी चुनाव हारे हैं। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। और पाटन से सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीत दर्ज की है। पाटन विधानसभा से 19,723 वोटों से जीते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो पाटन से वो जीते, लेकिन पार्टी की हार के बाद अब वो अपना त्याग पत्र सौंपने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल त्याग पत्र सौंपेंगे करीब 9:30 बजे और राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वो राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंप देंगे, त्याग पत्र सौंप देंगे। इसके बाद सत्ता की चाबी अब बीजेपी के हाथ में चली जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस के हाथ से सत्ता खिसक चुकी है और बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से सत्ता हथिया ली है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी हमारे साथ में जुड़ गए। सर, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस के हाथ से सत्ता खिसक चुकी है, और इसके अलावा बात करें तो भूपेश बघेल सरकार के कई मंत्री हार चुके हैं, कई दिग्गज नेता हार चुके हैं। इनकी हार का क्या कुछ कारण माना जा सकता है? कांग्रेस से कहां चूक हो गई और बीजेपी ने कहां वोटर को समझाने में अपनी जीत दर्ज की है? देखिए विनीत, ये जो है हार जो है कांग्रेस को समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं कांग्रेस जो है आत्मविश्वास का शिकार हो गई है। और भूपेश बघेल को ऐसा लग रहा था कि घोषणा पत्र उन्होंने जो है एक दिन बाद जो है दूसरा घोषणा पत्र जारी किया और 3100 धान की जो MSP थी उसको 3200 कर दिया, तो उनको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन घोषणा पत्र की नकल करते समय जो है एक महत्वपूर्ण चीज चूक जो उनसे हो गई, वो ना वो 21 क्विंटल कर पाए एक प्रति एकड़, और ना ही वो 12,000 जो प्रति वर्ष महिलाओं को देने की जो बात थी उसको पकड़ पाए। वो जो है महिलाओं को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष जो देने की बात थी भाजपा की, वो क्लिक कर गई और जो है सरकार जो है चूक गई। सरकार ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद भी घोषणाएं करने से कोई कमी नहीं की, तो ये बात जो है जनता को समझ में आ गई थी। घोषणा पत्र जारी हो चुका है, उसके बाद ये जो घोषणाएं हो रही है ये दिक्कत है। दूसरी बात, एक बात जो है महत्वपूर्ण है विनीत, की कांग्रेस का दुश्मन कोई बाहर का नहीं होता, बीजेपी कांग्रेस की दुश्मन नहीं है, कांग्रेस के दुश्मन कांग्रेस के लोग है। कांग्रेस में जो अंतरकलह थी, कांग्रेस में जो एक दूसरे की जो है गुटबाजी थी, जो एक दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति थी, वो साफ दिखी इस चुनाव में और उसका दुष्परिणाम कांग्रेस झेल रही है। और आप सरकार से जब जा रहे हो तो आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, राज्यपाल के पास जाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, इस्तीफा तो देंगे ही। जी बिल्कुल विनीत, लेकिन सर यहां पर हम देखें कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस पार्टी आधी सीट पर सिमट कर रह गई है। पिछली बार जितनी सीटें थी कांग्रेस की, उसकी आधी सीटों पर आ गई है। ये सबसे बड़ी हार कांग्रेस की है कि जब मौजूदा सरकार के मंत्री हार गए, कई दिग्गज नेता हार गए, इसका मतलब यह है कि उन तमाम योजनाओं को जनता ने स्वीकार नहीं किया, उन तमाम घोषणाओं को जनता ने स्वीकार नहीं किया जो एन वक्त पर भूपेश बघेल या फिर जो केंद्र के नेता थे यहां आकर कर रहे थे। उस बात को पर मोहर लग चुकी है कि कहीं ना कहीं जनता ये बात समझती थी कि हम अगर इस बात को एक्सेप्ट करेंगे तो कितना इसको लागू किया जाएगा, धरातल पर कितना किया जाएगा, एक बात। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि जिस प्रकार से बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेता ने यहां पर आकर के एक बड़ा अभियान छेड़ा, यहां पर जो बीजेपी के संगठन को लेकर के उन्होंने एक बड़ा यहां पर लोगों को समझाया, संगठन में मजबूती बनाई, और जिस प्रकार से जनता को समझाने में बीजेपी जो कामयाब हुई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं हो पाई है। इसी का मतलब यह है कि बीजेपी इतनी बड़ी लीड हासिल कर गई है, 54 सीटों पर बीजेपी आगे है। देखिए विनीत, जो है आप एक बात मान लीजिए, ये टोटल जो है गेम था, ये जो पॉलिटिकल गेम था, टोटल मोदी वर्सेस रेस्ट था। बीजेपी ने बहुत
शातिराना अंदाज में कांग्रेस को उस बीच पर ला खड़ा करा था कि जहां पर वो मोदी वर्सेस रेस्ट हो गई ना, उन्होंने रमन सिंह का चेहरा पेश किया, ना भोपाल में शिवराज का चेहरा प्रस्तुत किया, ना राजस्थान में जो है वसुंधरा, वसुंधरा राजे के लिए पिछली बार चुनाव के नारे लगे थे कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी हमको तुझसे बैर नहीं। तो वो मोदी, चाहे वसुंधरा हो, चाहे शिवराज हो, या चाहे रमन सिंह हो, इस एंटी इनकम्बेंसी को इतनी आसानी से उन्होंने डायलूट किया और प्लस मोदी की गारंटी को उन्होंने हाईलाइट किया। यहां कांग्रेस जो है धोखा खा गई। कांग्रेस जो है उनको लगा कि हम किसान किसान किसान, गोबर गोबर गोबर, तो ऐसा हुआ नहीं। यहाँ आप कांग्रेस से चूक हुई है और कांग्रेस की इस चूक का देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ विनीत, की कांग्रेस को ये मौका जो है उत्ती, आप बताइए 73 सीट वाली जो 90 में से 73 जिनके पास विधानसभा की सीटें हो, वो पार्टी इस दुर्गति का शिकार हो। आज तक 3 चुनाव हुए, पहली बार जब अजीत जोगी की सरकार बनी तो वो मनोनीत सरकार थी, बंटवारे के बाद जो है मनोनयन हुआ, अजीत जोगी मनोनीत मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित नहीं थे। निर्वाचन पहला हुआ तो रमन सिंह बने, दूसरी बार हुआ तो रमन सिंह बने, तीसरी बार हुआ तो रमन सिंह बने, चौथी बार में भूपेश बघेल बने, लेकिन रमन सिंह 50 से ऊपर कभी नहीं गए। और जब भूपेश बघेल जब निर्वाचित हुए तो 73 तो बाद में जो उपचुनाव जीते उससे 73 हुए, लेकिन वो कहां से कहां थे और कहां आ गए। तो ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन करने वाली बात है, कांग्रेस से कहीं ना कहीं चूक हुई है। कांग्रेस अगर पिछली बार, पिछले 2018 के चुनाव की बात करें हम, तो धान के एमएसपी की कीमत उन्होंने 2500 कर दी थी और उसके बाद कर्ज माफ कर दिया था। तो जो धान के एमएसपी की कीमत का जो बवंडर था और कर्ज माफी की जो सुनामी थी, उसमें बीजेपी धारो धार बह गई थी, वही बीजेपी आज वापस आ गई। और आज तक जो बीजेपी को बहुमत नहीं, आज तक जो बीजेपी के पास सीटें नहीं आई थी उस ज्यादा आ रही। तो ये जो है चूक तो है, आत्ममंथन करने वाली बात है, कहीं ना कहीं जो है चूक हुई है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के घोषणा पत्र में शहर कहीं था ही नहीं, आप सिर्फ गोबर किसान, और अगर गोबर और किसान की बात करते हैं, आप शहर की बात नहीं करते हैं, तो शहर का मतदाता आपको वोट क्यों देगा। और बीजेपी शहर में वैसे भी मजबूत मानी जाती है विनीत, जिसको शहरी क्षेत्र में भी देख लीजिए। और दूसरी बात सरप्राइजिंग है कि सरगुजा में 14 की 14 सीटें जो पिछली बार कांग्रेस को गई थी, वो 14 की 14 सीटें इस बार भाजपा को जा रही है। तो आदिवासी सेट में आप, आदिवासी क्षेत्र में आप पिछड़ रहे हो, आप मैदानी क्षेत्र में पिछड़ रहे हो, आप शहरी क्षेत्र में पिछड़ रहे हो, तो आप जीतोगे कैसे विनीत। जी बिल्कुल सर, इस बार भी बीजेपी सिर्फ 54 सीटों पर ही है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि जब तीन बार जब बीजेपी वहां पर सत्ता में आई तो 50-55 से बीजेपी आगे नहीं गई, लेकिन जब भूपेश बघेल आए तो 75 सीटों पर, हालांकि वो बाय इलेक्शन हुए तब वो 75 सीटों पर गए। लेकिन इस बार भी हम अगर हम आंकड़ों को देखें, रुझानों को देखें या फिर नतीजों को ही देख लें, तो 54 सीटों पर ही बीजेपी फिलहाल है। तो ज्यादा बढ़त नहीं है, जैसे कि कांग्रेस को लीड मिली थी वैसे बीजेपी को लीड नहीं मिल रही है। लेकिन ये बड़ी चिंता की बात है, कांग्रेस के हाथ से सत्ता खिसकना, 73 सीटों पर से अब 36 सीटों पर आ जाना, कहीं ना कहीं संगठनात्मक स्तर पर, शासकीय स्तर पर, गुटबाजी के स्तर पर, या ये कहें कि जनता को समझाने के स्तर पर कांग्रेस के नेता बहुत पिछड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के नेता पिछड़ गए हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी 50 से ऊपर गई नहीं है, आज 54 हो गई, 54 तो बढ़ी है। और कांग्रेस जो कभी भी जो है 40 से नीचे ही रहती थी, वो 68 उपचुनाव के बाद 73, और 73 के बाद नारा था कांग्रेस का 75 पार। आप 75 पार की बात कर रहे थे, 50 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस के लिए आत्ममंथन करने का समय है, आत्ममंथन का विषय है ये तो। और देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेता, आला कमान कितना आत्ममंथन करते हैं, कितना संगठन को मजबूत करते हैं, खुद को मजबूत करते हैं, नेता को मजबूत करते हैं। और इस बार तो खैर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अगली बार जब चुनाव में आएंगे, उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव जीते हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव, दीपक बैज चुनाव हार चुके हैं। बघेल सरकार के 5 मंत्री भी चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है छत्तीसगढ़ में। बड़ी खबर आपको बता दें, पाटन से भूपेश बघेल ने चुनाव दर्ज की है, तकरीबन
19,000 वोटों से भूपेश बघेल चुनाव जीते हैं, लेकिन अब वो पार्टी की करारी हार के बाद अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। तकरीबन 9:30 बजे राज्यपाल के पास में जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और राजभवन जाकर की अपना इस्तीफा सौंप देंगे। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है।